अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिकल प्रोसेस डिज़ाइन एंड सिमुलेशंस। एंड आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर इंजीनियर मोहम्मद हारिस हुमायूं। सो दिस लेक्चर इज लेक्चर नंबर 4, विच इज ऑफ वीक नंबर 2। सो फार वी हैव कवर्ड अवर 3 लेक्चर्स बिफोर दिस लेक्चर इन वीक नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 वॉज ऑनलाइन, इन विच वी हैड कवर्ड the basic introduction of this course. In lecture number 2, we had discussed various design schemes and process design hierarchies. In lecture number 3, we had covered the data collection methodologies, the way forward in the process design. So in this lecture, which is lecture number 4, what will we be covering? Number one is CLOs. Obviously, we usually start from the CLOs and CLO PLO mapping, and we will see which CLO which we will cover today in this lecture. Then process simulation program, simulation of an existing process, development of process flow diagram, types of process simulators, and role of process economics in process design. And definitely, we will talk about assignment number 1. और इसके बारे में असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में थोड़े से पॉजेस मैं रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसमें आपकी भी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो, और जहां पे मैं आपको कहूं वहां पे आपने लेक्चर रोक के पहले खुद सोचना है कि अच्छा इसका क्या जवाब होगा जो सर पूछ रहे हैं बेसिकली, और फिर आपने आगे से लेक्चर को कंटिन्यू करना, ताकि आपकी एक इफेक्टिवली लर्निंग हो जाए इसमें। सो आप कोर्स कॉन्टेंट्स को अगर देखें तो फर्स्ट 3 लेक्चर्स में हमने ये वाले कोर्स कंटेंट्स कवर किए हैं, प्रोसेस डिजाइन एंड हायरार्की एंड मेन स्टेप्स ऑफ डिजाइन। जो आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, इफ यू कैन सी केमिकल प्रोसेस सिमुलेटर्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस सिमुलेटर, टाइप्स ऑफ प्रोसेस सिमुलेटर विच आर सिक्वेंशियल मॉडलर, इक्वेशन ओरिएंटेड एंड हाइब्रिड सिमुलेटर्स, एंड दिस वन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस सिमुलेशन, इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर असाइनमेंट नंबर 1 विच हैज बीन कन्वेड टू यू इन द प्रीवियस वीक। So as you know that there are 4 CLOs of this course: the fundamentals, simulation, analysis, and design. And obviously, you know, we are covering these days the contents related to the fundamentals of the course. So this lecture, which is lecture number 4, is also related to this CLO as well. So we will start from the process simulation programs. Now I would request or advise you to just pause the video, but with a question that what is the definition of simulation? आप लोग ऑलरेडी एसपन प्लस कर चुके हैं, और एसपन प्लस करने के बाद आपको सिमुलेशन का पता होना चाहिए, ऑब्वियसली आपको आंसर आना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि सिमुलेशन है क्या, तो सिमुलेशन ये है कि ये बेसिकली इमिटेट करती है रियल वर्ल्ड प्रोसेस को, यानी ये बताती है सिमुलेशन के रिएक्टर में क्या ऑपरेशन हो रहा है, अगर एक पीएफ आ रहा है तो उसमें क्या प्रोफाइल बनेगा, अगर डिस्टिलेशन कॉलम है तो उसमें क्रॉस ईच ट्रे अगर सीव ट्रेज लगी हुई है तो उसमें क्या प्रोफाइल बनेगा, या बबल कैप ट्रेज लगी हुई तो उसमें क्या प्रोफाइल बनेगा, वेपर लिक्विड के फ्लो रेट्स क्या होंगे हर ट्रे पे, या पैकिंग्स का क्या हिसाब किताब होगा। तो ये रियल वर्ल्ड ऑपरेशन को जो है वो इमिटेट करती है। सिमुलेशन इज डिफाइंड इन एज इमिटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रोसेस और सिस्टम ओवर टाइम। ऑब्वियसली करंटली हम जितनी भी बात कर रहे हैं, और इस कोर्स में भी हम जितनी भी मेजोरिटी में बात करेंगे, वो स्टेडी स्टेट पे है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायनामिक्स। ऑब्वियसली यू नो डेट इन स्टेडी स्टेट देर इज नो चेंज विद टाइम, बट ऑब्वियसली द रियल वर्ल्ड प्रोसेस इज डायनामिक, सो वी हैव टू सी वट इज द चेंज विद द टाइम। ऑब्वियसली यू नो कि चेंजेस आती रहती हैं, फ्लो रेट चेंज हो सकता है तो उससे आपकी फ्लो जो टॉप प्रोडक्ट के फ्लो रेट या बॉटम प्रोडक्ट के फ्लो रेट पे क्या इफेक्ट आएगा, या डिफरेंट चीजें जो इसमें कंसिडर होती हैं। अगर हम इसकी ब्रॉडर डेफिनेशन में जाएं तो वो क्या होगी, ब्रॉडर डेफिनेशन इसकी ये है कि सिमुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड ऑपरेशन मॉडल ऑफ अ सिस्टम। मैं इसकी आपको यहाँ पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स विद दिस मॉडल फॉर द पर्पस आइदर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ सिस्टम
or of evaluating alternative strategies for the development or operation of the system, and must be able to reproduce selected aspects of behavior of system model to an accepted degree of accuracy. अब इसका मतलब क्या है? अब ये तो मैंने लाइन पढ़ दी, हो सकता है आप में से कुछ कुछ समझ आ जाए, कुछ को समझ ना आए, लेकिन अब मैं जो एग्जाम्पल दूंगा उससे आपको समझ आएगी. मेरा पीएचडी का जो काम है वो एयर सेपरेशन यूनिट पे है. अब मेरा जो पहला काम था वो ये था कि मैंने देखना था कि कितने एयर सेपरेशन यूनिट सिस्टम अवेलेबल हैं लिटरेचर में. मैंने क्या किया, मैंने उनको सबसे पहले एस्पन प्लस में मॉडल बनाया उसका, ठीक है, कि डिजाइनिंग एंड ऑपरेशन मॉडल, ठीक है. और फिर मैंने उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन की. ऑब्वियसली वो जो मॉडल बने हुए थे वो डिफरेंट फ्लो रेट्स पे थे, डिफरेंट कंडीशंस पे थे, मेरी कंडीशंस कुछ और थी, ठीक है. तो मैंने अब क्या किया कि सबसे पहले मेरा काम था कि मैंने देखा कि जो उस बंदे ने काम किया, फॉर एग्जाम्पल इब्राहिमी एक बंदा, उसने काम किया, उसने टू कॉलम एयर सेपरेशन यूनिट डिजाइन किया है, या उसकी उसने करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं डिजाइन की, कि हर पॉइंट पे उसने क्या कि कंप्रेसर पे क्या कंडीशन है, या डिस्टिलेशन कॉलम पे क्या कंडीशन है, एंड सो ऑन, ठीक है. तो पहले मैंने देखा कि क्या ये रिजल्ट्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं. तो सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए कि आप रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस कर सके अगर आप एक एग्जिस्टिंग मॉडल को लेकर चल रहे हैं, और अगर आप कोई न्यू मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप उस पर आप डिजाइन या उस पर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन करके देखें कि या तो आप उस सिस्टम का बिहेवियर एनालाइज कर सकें या अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी बना सकें. तो मैं वापस आता हूँ अपनी बात पे कि मैंने जी टू कॉलम सिस्टम देखे, टोटल मुझे 7 सिस्टम मिले. अब उन 7 के 7 सिस्टम को मैंने मॉडल किया, मॉडल करने के बनाने के बाद, सिमुलेट करने के बाद, और रिप्रोड्यूस रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस करने के बाद मैंने उनको अपने हिसाब से एडजस्ट किया, अपनी कंडीशंस के मुताबिक, अपनी बेसिस के मुताबिक. उसके बाद क्या हुआ, उससे के अकॉर्डिंगली, अब आप ये देख लें, और ऑफ एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, मैंने ये डिसाइड किया बेस्ड ऑन एक्सर्जी एनालिसिस. ऑब्वियसली एक्सर्जी का वर्ड आपने थर्मो में पढ़ा होगा कि कौन सी कंडीशन बेस्ट है. तो आप ये देख लें कि सिमुलेशन की ये जितनी भी मैंने अब आपको डेफिनेशन बताई, होपफुली आपको अब समझ आ गई होगी कि आपने एक ऑपरेशनल मॉडल बनाना है. अगर तो वो मॉडल एग्जिस्टिंग है तो आपने उसको रिप्रोड्यूस करना है, और उसके कोरेस्पॉन्डिंगली आपने अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज बनानी है, ठीक है. और अगर आप बिल्कुल न्यू सिरे से बना रहे हैं उसको, ठीक है, कि ऑलरेडी वो अगर लिटरेचर में रिपोर्टेड नहीं है, तो आप उसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन करके या डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लगा के और उसका बिहेवियर एनालाइज कर सकते हैं, या ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन को चूज कर सकते हैं. तो ये बेसिकली जो है वो सिमुलेशन की एक डिटेल्ड डेफिनेशन आ जाती है. और ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 2 कोर्स पढ़ने के बाद कि सिमुलेशन है क्या, तो आपको ये वाली डेफिनेशन आनी चाहिए. और इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसके अंदर. उसके बाद कि सिमुलेशन का कहाँ कहाँ रोल है, ये तो मैं आपको जस्ट जनरली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक बुलेट पॉइंट्स दे रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब आपने असाइनमेंट बनानी है तो उसमें आप लोगों ने देख लेना. R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि FFC है, तो उसकी एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है उसके पास, प्रोसेसिंग का या प्रोसेस इंजीनियर्स का, जो प्लांट की एफिशिएंसी को मॉनिटर कर रहा होता है यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, या एंग्रो के पास है. इसी तरह प्रोसेस डिजाइन है, प्रोसेस ऑपरेशन है, तो उस सब में सिमुलेशन जो है उसका बहुत ज्यादा रोल है. ऑप्टिमाइजेशन में रोल है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में रोल है. तो ये सारी चीजें जो है ये सिमुलेशन की यूज होती हैं, और ये रियल टाइम इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में यूज होती हैं, ठीक है. जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं टर्बाइन की हम लोग एफिशिएंसी निकालते थे, ऑब्वियसली टर्बाइन से तो सिर्फ हमें इनलेट और आउटलेट की वैल्यूज मिलती थी, तो हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज करके टर्बाइन की एफिशिएंसी निकालते थे कि आज टर्बाइन का क्या ट्रेंड रहा है, आज टर्बाइन का क्या ट्रेंड है. सिमिलरली बॉयलर की एफिशिएंसी निकालते थे, सिमिलरली कूलिंग टावर की एफिशिएंसी निकालते थे, क्योंकि वहां पे कोई एफिशिएंसी मीटर नहीं लगे होते थे, लेकिन वहां पे डिफरेंट रीडिंग्स आ रही होती थी, तो उन रीडिंग्स को यूज करके हम एफिशिएंसी निकालते थे. और ऑब्वियसली फिर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है कि उसने डेली की अपडेट्स देनी होती हैं. तो ये सारा कुछ आप सिमुलेशन से ही अचीव करते हैं. उसके बाद आगे चलते हैं कि सिर्फ सिमुलेशन यहां तक नहीं है, इसमें और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. लार्जर एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस सिमुलेशन इंक्लूड डिफरेंट कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटीज सच एज कंप्यूटर फ्लूइड डायनामिक्स, और वी कैन से इट इन अदर वर्ड्स एज कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स CFD, इन विच वी यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, और विद व्यू 3D प्लेन ऑफ अ वेक्टर और कॉलम और पाइप. सो यू विल लर्न इट विद द टाइम, कि आपको पता चलेगा कि जो विद टाइम है कि आप 3D व्यू कर सकते हैं, ठीक है,
ठीक है, कॉमसोल है उसके लिए यूज होता है, या एनसीज यूज होता है, या अगर आपने सिंपल सिमुलेशन करनी है तो ये जो सिंपल सिमुलेशन है ये बीएस तक है, लेकिन जब आप हायर लेवल पे जाते हैं, एमएस लेवल पे जाते हैं या आप पीएचडी लेवल पे जाते हैं, तो आप इसका स्कोप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा काम सिमुलेशन का है, लेकिन साथ और भी उसमें आस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है। या जैसे डॉक्टर आरिफ इस कोर्स के मॉडरेटर हैं, तो उनका काम रिएक्टिव डिस्टिलेशन से रिलेटेड था, तो वो अगेन एक बहुत बड़ा टास्क है एक सिमुलेशन का। तो या तो इस तरह का टास्क हो, अगर आपने छोटा सिमुलेशन का टास्क करना है तो फिर आप उसमें सीएफडी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। दो तरह के मोड्स होते हैं मेनली, वैसे तो तीन भी हो सकते हैं, लेकिन तीसरा यूजली हम कंसिडर नहीं करते जब हम बैचलर्स लेवल पर बात करते हैं। तो दो तरह के मोड होते हैं, सिक्वेंशियल मॉडलर और इक्वेशन ऑरिएंटेड। इसके बारे में हम जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें जाकर डिस्कस करेंगे। और अब सिक्वेंशियल मॉडलर का क्या मतलब है कि सीक्वेंस वाइज, कि अगर आपने 5 इक्विपमेंट लगा दिए हैं तो पहले नंबर पे पहला मॉडल यूनिट ऑपरेशन रन होगा। जैसे पहले नंबर पे मिक्सर लगा दिए तो मिक्सर की सिमुलेशन हुई, आगे पंप की सिमुलेशन हो गई, उसके आगे हीटर की सिमुलेशन हो गई, उसके आगे शॉर्टकट कॉलम की सिमुलेशन हो गई, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेनली जो है वो सिक्वेंशियल मॉडलर ही काम करता है, वेयर द आउटपुट स्ट्रीम्स ऑफ अ यूनिट मॉडल आर एवेल्युएटेड फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम्स एंड डिजायर्ड डिजाइन पैरामीटर्स। ठीक है, यह बात आपको मुझे लगता है समझ आ गई होगी कि आउटपुट कैसे कैलकुलेट होती है, बेस्ड ऑन इनपुट और जो डिजाइन पैरामीटर्स आपने दिए होते हैं। डिजाइन पैरामीटर जैसे आपको याद होगा शॉर्टकट कॉलम के अंदर आप कौन से पैरामीटर्स देते थे, कंपोनेंट्स याद आपको, मुझे उम्मीद है याद आ रहा होगा आपको, कि आप कंडेंसर प्रेशर, रीबॉयलर प्रेशर, रिफ्लक्स रेशियो -1.3 देते थे, रिकवरीज की वैल्यूज देते थे, या अगर रिगरस कॉलम में चले जाओ तो ये जितनी भी चीज है ये आपके जहन में रहनी चाहिए। उसके आगे चलते हैं, सिमुलेटर्स बेसिकली काम किस तरह से करते हैं, तो उसमें थ्री लेवल हायरार्की जिसको बेसिकली हम कह सकते हैं। नंबर 1, उसमें फ्लो शीट टोपोलॉजीज हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम है जो आपके सामने, टोपोलॉजी है इसको अभी हम देखते हैं कि ये है क्या। यूनिट ऑपरेशन मॉडल्स हैं एंड फिजिकल प्रॉपर्टी मॉडल्स है, तो ये थ्री लेवल हायरार्की है जो किस जिसकी बेसिस पे जो है वो सिमुलेटर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब फ्लो शीट टोपोलॉजीज के अंदर होता क्या है, सबसे पहले ये चीज है कि आपने जितने भी उसके अंदर यूनिट मॉडल्स हैं, कॉलम, रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, हीटर, कूलर, पंप, कंप्रेसर एटसेट्रा, उनकी सीक्वेंसिंग कर लेनी है, क्योंकि आपको पता, जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्वेंशियल मॉडलर मेनली यूज होता है। और उसके बाद आपने फ्लो शीट को इनिशियलाइज कर लेना है। इनिशियलाइजेशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि आपने इनिशियल वैल्यूज दे दी, प्रॉपर्टी पैकेज सेलेक्ट कर लिया, एंड सो ऑन, उसके अंदर चीजें आ जाती हैं। फिर आपने इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होती है किसी भी प्रोसेस की, वो है रिसाइकलिंग। आप लोगों ने अपना टर्मिनल का सवाल किया होगा ऑब्वियसली, जब आपने देखा होगा कि जो आपका ब्यूटाइल एसिटेट का प्लांट है वहां पे, आपको अगर सिंपल सीक्वेंस में रहे तो कोई मसला नहीं आता, लेकिन जैसे ही आपने उसमें रिसाइकल लूप ऐड किया तो वो आइट्रेटिव स्ट्रीम टीयर स्ट्रीम आ गई, आइट्रेशन आ गए, एंड सो ऑन। तो ये सबसे मुश्किल काम हो जाता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ, इनको सॉल्व करना मुश्किल काम है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप टोपोलॉजीज में है कि डोमेन में, तो आपने इनको आइडेंटिफाई करना है कि रिसाइकल लूप्स कौन कौन से हैं, कौन सी स्ट्रीम रिसाइकल हो रही है और कितनी टीयर स्ट्रीम्स उसके अंदर बनेंगी, और फिर उन सबकी कन्वर्जेंस, कन्वर्ज होगा और आपका ब्लॉक, आपकी जितनी भी स्ट्रीम्स है, यूनिट मॉडल्स हैं, वो सारे मैस और एनर्जी बैलेंस को फॉलो करें। मैस इन इज इक्वल टू मैस आउट, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, क्योंकि आप कोई लीकेज नहीं अज्यूम कर रहे किसी भी सिस्टम में। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपकी टोपोलॉजीज में आ जाती हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं यूनिट ऑपरेशन मॉडल्स, और उसमें हर एक यूनिट को सॉल्व करना। ठीक है जी, यूजिंग इनपुट फ्रॉम द फ्लो शीट टोपोलॉजीज विद अ स्पेशलाइज कैलकुलेशन प्रोसीजर फॉर ईच यूनिट टाइप। ऑब्वियसली ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हर यूनिट ऑपरेशन का अपना एक तरीका है सॉल्व होने का। डिस्टिलेशन कॉलम में जो भी आप मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं वो रिएक्टर में नहीं यूज हो सकती, कॉलम की मेथोडोलॉजी हीट एक्सचेंजर में यूज नहीं हो सकती, हर यूनिट ऑपरेशन की अपनी एक मेथोडोलॉजी है, हीटर की भी इवन हीट एक्सचेंजर से मैच नहीं करती। तो इस तरह से मतलब कंप्लीटली मैच नहीं करती, दोनों का अपना अपना प्रोसीजर है। तो फ्लो शीट टोपोलॉजी से बेसिकली क्या क्या इनपुट्स आ रही हैं, कि आपने इनिशियल वैल्यूज दे दी, ठीक है जी, आपने रिसाइकल लूप्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, और ये सारा, और फिर आपने कन्वर्जेंस मेथड्स उसके अंदर कौन कौन से रखे हैं, जैसे आप लोगों को लास्ट टाइम याद होगा कि न्यूटन मेथड है, वेकस्टेन मेथड है, ब्रेडन मेथड है, सीकन मेथड है, ये डिफरेंट मेथड्स
और उनके कोरस्पॉन्डिंगली आप लोगों ने उसको सॉल्व करवा रही है यूनिट ऑपरेशन मॉडल के अंदर. एंड देन फीडबैक ऑफ आउटपुट्स फ्रॉम द यूनिट कैलकुलेशन टू द फ्लोशीट टोपोलॉजी. ठीक है, तो ये सारी जिस तरह से आपको स्टार्ट में बताया गया, दिखाया गया कि ये सब एक दूसरे के साथ लिंक है. तो यहाँ से इनपुट यहाँ गई और यहाँ से आउटपुट यहाँ चली गई. फ्लोशीट टोपोलॉजी से इनपुट गई यूनिट ऑपरेशन मॉडल में, यूनिट ऑपरेशन मॉडल से आउटपुट चली जो है वो टोपोलॉजी की तरफ चली गई. ठीक है जी, आगे आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी मॉडल. अब इसको पहले तो आप सोचेंगे कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी मॉडल होंगे. एक मिनट के लिए वीडियो यहाँ पॉज करें और सोचेंगे क्या क्या होगा. तो थर्मोडायनेमिक मॉडल्स फॉर फेज इक्विलिब्रिया, एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, ये आप लोगों ने व्यू की थी. अगर आप लोगों को याद हो कि आप क्लिक करते थे और रिव्यू पे जाके ये सारी प्रॉपर्टीज देख लेते थे. ठीक है, इसके अंदर से कुछ प्रॉपर्टीज देखते थे और कुछ प्रॉपर्टीज पर आगे जाके आप जब उसको कन्वर्ज करते थे या सिमुलेट करते थे तब देखते थे कि मैस एंथैल्पी क्या, मोलर एंथैल्पी क्या, मैस एंट्रोपी क्या, मोलर एंट्रोपी क्या, एंड सो ऑन. डिफरेंट इसके अंदर से चीजें आ जाती है. इट मस्ट बी एक्सेस बाय यूनिट ऑपरेशन मॉडल. और ये किसके साथ लिंक्ड है? यूनिट ऑपरेशन मॉडल के साथ. यूनिट ऑपरेशन मॉडल होगा तो ही वहीं आप देखेंगे ना. आपको अगर याद हो एसपी प्लस के अंदर क्या होता था कि जब तक आप मिक्सर नहीं लगाते थे, अगर आपने सिंपल एक स्ट्रीम का भी देखना है तो मिक्सर लगेगा, चाहे वो उसका इन एक है और आउट भी एक, तो ऑब्वियसली एक ही है, तब जाके आपको वैल्यू मिलती थी. तो वो यूनिट ऑपरेशन के साथ भी लिंक कर गया और अगेन वो फ्लोशीट टोपोलॉजी के साथ भी लिंक कर गया. कैसे, ये आपने सोचना है. ठीक है, ऑलरेडी इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्लोशीट टोपोलॉजी में क्या क्या बताते हैं. स्ट्रीम की इनिशियलाइजेशन, सिक्वेंसिंग ऑफ ब्लॉक्स. ठीक है, तो ये चीजें इसको थोड़ा सा सोचें. फिर हर यूनिट ऑपरेशन ने अपने हिसाब से सॉल्व करना, अपने एक स्पेसिफाइड स्ट्रेटेजी से सॉल्व होना है. ठीक है, और फिर ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आपकी आ रही हैं थर्मोडायनेमिक मॉडल्स, या थर्मोडायनेमिक मॉडल्स तो आपको पता है जो आपके डिफरेंट पेंग रॉबिन्सन टाइप मॉडल्स आ गए, या फिर ये जितनी भी आपने जो कैलकुलेशंस करनी है एंट्रोपी या एक्सर्जी की, ये सारी आपकी यूनिट मॉडल से ही होंगी. सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं, अब तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए. एस्पन के सॉफ्टवेयर है, कॉमसोल है, कैमकैड है, एनसिस है, एस्पन प्लस, एस्पन हाइसिस, एस्पन डायनेमिक्स. डायनेमिक की हम थोड़ी बहुत बात जरूर करेंगे इसमें, ऑल्दो कि हमारे करिकुलम में नहीं है, लेकिन हम इसकी जरूर कुछ ना कुछ बात करेंगे कि आपको आइडिया हो कि सिर्फ स्टेडी स्टेट सिस्टम नहीं होता, डायनेमिक सिस्टम भी होता है. कैमकैड है, कॉमसोल है, एनसिस है, यूनिसिम एंड जी प्रॉम्स. तो हम वक्तन फोक्तन इन सॉफ्टवेयर की बात करते रहेंगे. सिमुलेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस. किसी भी, अब ये इसकी हेडिंग तो मेनली ये है कि सिमुलेशन ऑफ एन, क्या इसका मतलब क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? इट मीन्स दैट सिमुलेशन इज स्पेसिफिकली नॉट फॉर द डिजाइनिंग ऑफ अ न्यू प्रोसेस, इट कैन बी यूज्ड फॉर द ऑप्टिमाइजेशन, इट कैन बी यूज्ड टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस, इट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, इट कैन बी यूज्ड. रिडक्शन कॉस्ट मीन्स रिडक्शन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, एफिशिएंट सेल ऑफ प्रोडक्ट्स. सो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड इन इट एज वेल. अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रोसेस मॉडलिंग या सिमुलेशन जो है वो सिर्फ न्यू प्रोसेसेस को डिजाइन करने का नाम नहीं है. ठीक है, जितनी अभी मैंने आपसे बात की कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस की इंटेंसिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन, इंटेंसिफिकेशन को जरूर देखिएगा इस वर्ड को, और फिर हम अपने ऑनलाइन सेशन में भी इसको डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है. कि आप यूनिट प्रोसेस, जो भी आपका यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस, उसकी आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. मिनिमाइजिंग मटेरियल एनर्जी लॉस. एक्चुअल टाइम प्रोसेस में तो आपको पता है कि एनर्जी लॉस हो रहा होता है, मटेरियल लॉस हो रहा होता है, लेकिन आप उसको कितना मिनिमम पे लेके जा सकते हैं. अगर एनर्जी लॉस हो रहा तो वहां पे इंसुलेशन लगा दें, ठीक है, या इंसुलेटर लगा दें ताकि एनर्जी लॉस ना वहां से हो और आपकी वो एनर्जी आपके सिस्टम में यूटिलाइज हो जाए. या रिमूवल ऑफ डिफरेंट ऑपरेशनल माल फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं जब एंग्रो में काम कर रहा था तो वहां पे बॉयलर के जो फाइनल जहां से ऐश निकलती थी वो कन्वेयर बेल्ट का इशू आता था. अब उस कन्वेयर बेल्ट की वजह से अगर वो माल फंक्शन करती थी तो वो पूरा बॉयलर बंद हो सकता था. ठीक है, तो अल्टीमेटली वो क्या है, एक माल फंक्शन है, तो उसका तरीका क्या कि आप उस कन्वेयर बेल्ट को रिप्लेस कर दें ताकि वो जो ऐश है वो प्रॉपरली डंप होती रहे, या ऐश वो आप प्रॉपरली रिमूव करवाते रहे सिस्टम से और आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपरली चलता रहे. तो ये जो यूजुअल रीजन है वो कि हम एग्जिस्टिंग प्रोसेस में जो है मॉडिफिकेशंस
कर सकते हैं यूजिंग सिमुलेशन। तो क्या क्या कर सकते हैं? ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, एफिशिएंसी को एनहांस कर सकते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का वैसे मतलब भी मोर ऑर लेस ये कि आप किसी बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस पे उसको ऑपरेट करवाएं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक्चुअली सिमुलेशन स्टार्ट का पहला स्टेप क्या होगा, तो आप लोगों के जहन में क्या आना चाहिए? यही मैं आपको कहूंगा कि वीडियो पॉज करके 2 मिनट सोचें कि क्या होना चाहिए आपका सबसे पहला काम। व्हाट शुड बी योर फर्स्ट टास्क? इट शुड स्टार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर और इट शुड स्टार्ट फ्रॉम एन आइडिया और रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली सबसे पहले तो गोल होगा ना कि आप सिमुलेशन, ऐसे नहीं कि आप बैठे और आपने सिमुलेशन शुरू कर दी प्लांट पे, ऐसे नहीं आप सिमुलेशन सॉफ्टवेयर खरीद लेते या प्लांट पे आप ऐसे नहीं शुरू हो जाते। ऑब्वियसली आपको एक आइडिया या एक रिक्वायरमेंट या कोई ना कोई गोल आपका होना चाहिए कि आपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करनी है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, जो लेक्चर नंबर 1 था बेसिकली, उसमें कि आप मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी कॉस्ट कटिंग करें, बजट को कट करें। तो बजट को कट कैसे करेंगे आप? कि अपने रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज, एफिशिएंटली यूटिलाइज करें और उनकी इंक्रीज करें एफिशिएंसी। तो ये आपका गोल बन गया। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो सिस्टम चल रहा है उसमें टेक्निकली आप कहाँ कहाँ सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, कि असिमुलेशन टास्क स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन ऑफ गोल बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट। कि आपने प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लानी है तो उसके लिए आपने ये जो है बेसिकली सिमुलेशन शुरू करनी है। और फिर उसके बाद आपने उसके प्रोसेस टेक्नोलॉजिकल स्कीम्स देखनी है, ठीक है, ताकि आप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल आपने देखा नहीं, अब वो पंप वहां पे चल रहा 60 बार पे, आपने जी सिमुलेशन शुरू कर दी 30 बार पे, वो 30 बार पे कुछ और होगा, 60 बार पे सिस्टम कुछ और होगा, 30 बार की वेसल का डिजाइन कुछ और होगा, 60 बार की वेसल का डिजाइन कुछ और होगा। तो आपका जो सिमुलेशन मॉडल होगा वो कोलैप्स कर जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने देखना है कि आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम किन किन पैरामीटर्स पे चल रहा है और उसको आपने फिर सिमुलेशन में कन्वर्ट करना है। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा, हर पॉइंट पे हर स्टेप पे आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये जितनी भी स्कीम्स होती हैं ये बहुत डिटेल्ड होती हैं और बहुत डिफरेंट तरह की इसमें इंफॉर्मेशन होती है। और जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे आप देखेंगे PNID बनी होगी उसकी और हर पॉइंट पे जो है वो डिफरेंट उसकी डिटेल होगी। लेकिन सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से मुराद कि आपको टेम्परेचर चाहिए होगा। अब टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिखा होगा, केल्विन में भी लिखा होगा, यार आपको एक ही तो टेम्परेचर चाहिए, चाहे केल्विन में ले लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में ले लो। फिर आपको प्रेशर चाहिए होगा, फिर आपको फ्लो रेट्स चाहिए होंगे, फिर आपको उसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर रिएक्टर लगा हो रिएक्शंस की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, डिस्टिलेशन कॉलम लगा है तो आपको टॉप और बॉटम प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन चाहिए होंगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग आप चलते जाएंगे, ठीक है जी। और ये सारा काम किसका है? प्रोसेस इंजीनियर का। उसने जब ये सारा का सारा डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया इस पॉइंट से, पहले उसने सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बेसिस पे गोल डिफाइन कर लिया कि उसने कहाँ किस पॉइंट पे, ये नहीं कि अब आप अमोनिया प्लांट पे बैठे हैं या आप यूरिया प्लांट पे बैठे हैं तो आप सारा का सारा प्रोसेस शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट सारे प्रोसेस डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ उसके 1/3 या 1/4 पार्ट के, तो आप सिर्फ उस पार्ट को पकड़ेंगे मेनली और आप उस पे फोकस करेंगे और पहले उसको करके फिर आप उसका इम्पैक्ट बाकी प्लांट पे देखेंगे, अगर तो एग्जिस्टिंग मॉडल नहीं बना हुआ, ठीक है। लेकिन आप ये देखेंगे कि उसके इन और आउट पे कोई चेंज ना हो, लेकिन उसके बाकी सिस्टम में चेंज हो जाए। क्योंकि अगर इन आउट पे चेंज हो गए तो फिर आपका बाकी प्रोसेस भी इफेक्ट होगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ रही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपने कितने प्रोसेस को देखना है, ठीक है, ये इसका इन है और ये इसका आउट है। आपने ये देखना है कि ये जो इन है इस पे जो कंडीशंस है, ये जो आउट है इस पे जो कंडीशंस है, ये सेम रहे, फिर तो ना इसके बैक एंड पे और ना इसके फ्रंट एंड पे कुछ चेंज आना है। लेकिन सिर्फ आप इस पॉइंट को देखेंगे और इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे जो आप मॉडिफिकेशन है वो कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ और यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, फिर आपको अगला प्रोसेस भी साथ सिमुलेट करना पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो रिक्वायरमेंट क्या, और उसकी बेसिस पे फिर आपने PFD बनानी है। ऑब्वियसली PFD तो आपको बनानी पड़ेगी। अगर ब्यूटाइल एसिडेट का प्लांट है या एसिटिक एसिड का प्लांट है तो आप उसकी PFD बनाएंगे और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप उसको उसमें एंटर करेंगे। उसके बाद जो भी आपने अपना डाटा एक्सट्रैक्ट किया होगा वो आप उसको यूज करेंगे, ठीक है।
और आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सिंप्लीफाइड पीएफडी एंड कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी डेटा, प्रोसेस सिमुलेशन विद डिफरेंट सिनेरियोस कैन बी रियलाइज्ड। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है कि आपने, मैं अगर वापस उस स्टेप पे जाऊं, इस वाले स्टेप पे, कि आपने नंबर वन क्या किया, रिक्वायरमेंट डिफाइन की। रिक्वायरमेंट क्या थी? कॉस्ट कम करनी है, एफिशिएंसी बढ़ानी। ठीक है, वो आपकी बेसिकली गोल बन, उसी के बेस पे आपने गोल बना लिया कि आपने किस पॉइंट को देखना है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंगली आपने रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंगली या डेली एनालिसिस के बेस पे, या अगर फॉर एग्जाम्पल आप डेली एनालिसिस नहीं कर रहे, आप एक थर्ड पार्टी से जा रहे हैं, तो आप सारे प्लांट को कवर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या आपको कह दिया जाता है कि यार ये वाला जो हिस्सा, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो इस पे फोकस करें, उसकी एफिशिएंसी को एनहांस करें, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी। आपने उसके करस्पॉन्डिंगली जितना डाटा है वो सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया, और उसमें से अभी आपको इनिशियली लगा कि यार मुझे ये 5-6 पैरामीटर चाहिए, उन 5-6 पैरामीटर के करस्पॉन्डिंगली आपने पीएफडी बना ली। पीएफडी बना के फिर आपने जो है वो प्लांट डाटा को देखा कि और मुझे कोई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब आप पूरी पीएफडी एक बना लेते हैं, फिर आपको नजर आता है कि अच्छा यार ये चीज भी हो सकता, मुझे चाहिए हो, ये चीज भी चाहिए, तो फाइनली आप एक सारी चीजें जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, अगर अभी भी कोई कमी बेशी उसमें रह जाती है, और फिर आप उस पर डिफरेंट सिनेरियोस रन करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेमेस्टर में केस स्टडी टूल समझाया था, और वो आपको पेपर में भी यूज करवाया था, कि सेंसिटिविटी एनालिसिस आप कैसे करते हैं उसके अंदर, और फिर आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या प्रोसेस मॉडिफिकेशंस करते हैं, जिसको हम बात करते हैं, कि बेस्ड ऑन द डिफरेंट सिनेरियोस। फॉर एग्जांपल, आपने 10 सिनेरियो बना दिए कि फॉर एग्जांपल आपने बॉयलर को ये टेम्परेचर और ये प्रेशर पे ऑपरेट करना है, उसी के करस्पॉन्डिंग 10 सिनेरियो बना लिया, उसमें आपने बता दिया कि फॉर एग्जाम्पल सिनेरियो नंबर 5 जो है ये बेस्ट सिनेरियो, क्योंकि इसमें ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेस एफिशिएंसी चल रही है। तो ये इस तरह से काम चलता है, रिक्वायरमेंट, गोल, डाटा कलेक्शन, पीएफटी डेवलपमेंट, एंड देन प्लांट डाटा कलेक्शन इफ एनी मिसिंग, और फिर आपने ये भी देखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रह गई, कि वो डाटा सेटिस्फाई भी कर रहा हो। ये ना हो कि आपने प्लांट का डाटा पकड़ा है, उसको एंटर किया अपने मॉडल में, आपके वो रिजल्ट ही नहीं आ रहे, तो फिर आप कैसे मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर सकते हैं कि जब तक वो रिप्रोड्यूस ही नहीं हो रहे। यस, देयर कुड बी सम मार्जिन ऑफ एरर, बट दैट शुड नॉट बी वेरी हाई, वेरी वेरी लो। अव्वल तो आपका मॉडल इतना एक्यूरेट और इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो एग्जैक्ट रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करे जो आपके सिस्टम में चल रहे हैं, तब आपका सिस्टम बेस्ट होगा। लेकिन ऑब्वियसली हम मार्जिन को ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अलाउ करते हैं, बट दैट मार्जिन अगेन शुड नॉट बी हाई, इन माई ओपिनियन शुड नॉट बी मतलब 1% से ज्यादा का वो नहीं होना चाहिए, ऑल्दो 1% इज स्टिल हाई। ठीक है, और फिर आप प्रोसेस मॉडिफिकेशन जो भी आपने केस स्टडीज सेंसिटिविटी एनालिसिस करके निकाली होती है, उसमें आप मॉडिफिकेशन सजेस्ट करते हैं। प्रोसेस फ्लो डायग्राम आप बनाते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि देखिए आपने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, वो तो रियल टाइम था, लेकिन जो असल मॉडल बनाना है वही असल उसमें एक मेन बैरियर या मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कि उसको आप बनाते कैसे हैं। जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू फर्स्ट सिट डाउन ऑन योर टेबल, ओपन द सॉफ्टवेयर एंड स्टार्ट डूइंग इट, यू बिल्ड अ वेरी सिंप्लीफाइड डायग्राम। देर आर नो रिसाइकल्स, नो हीट इंटीग्रेशन, नो हीट एक्सचेंजर नेटवर्किंग, सिंपली यू हैव टू और यू यूज शॉर्टकट इक्विपमेंट्स। द डेवलपमेंट ऑफ अ पीएफडी फॉर अ डिजाइन यूजली स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल डायग्राम्स विद नो हीट एक्सचेंजर नेटवर्क्स, नो रिएक्टर काइनेटिक मॉडल्स, यू यूज स्टोइकोमेट्रिक रिएक्टर और यू कैन यूज आई मीन गिब्स रिएक्टर एंड सो ऑन मटीरियल और हीट इंटीग्रेशन। नाउ लुक एट दिस पीएफडी मिक्सर हीटर, नो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज हीट एक्सचेंजर इन द रिग्रस डिजाइन, बट ऑब्वियसली इनिशियली वी यूज अ हीटर, कि हमने बता दिया जी 25 से 125 पे जाना, तो हीटर लगा दिया, खत्म हो गई बात। अब अगर हीट एक्सचेंजर लगाओगे तो क्या होगा, दूसरी स्ट्रीम भी देनी पड़ेगी, वाटर की, एयर की, जो भी स्ट्रीम्स है, और फिर उसके टेम्परेचर भी सेट करने पड़ेंगे। तो वो इनिशियली आपने अपनी जो भी पीएफडी बिल्ड करनी है वो उसको बड़ा सिंपल रखना है, यू हैव टू बिल्ड अ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड पीएफडी टू स्टार्ट विथ। इफ यू बिल्ड अ कॉम्प्लेक्स पीएफडी एट द स्टार्ट, देन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। देन यू कैन सी दिस रिएक्टर, कन्वर्जन रिएक्टर और स्टोइकोमेट्रिक रिएक्टर, कूलर, देन अ फ्लैश वेसल, ऑब्वियसली देयर कुड बी डिस्टिलेशन कॉलम ओवर हेयर और समथिंग लाइक दैट।
then this distillation column, shortcut, both are shortcut columns. So this is the start, this is the first step. But in the next step, you have to build the real-time PFT, the real-time number of heat exchangers. And what you do, you can see कि ये वही PFD है जो मैंने आपको यहां दिखाई है, और आप देख लें कि इसमें कितने इक्विपमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इक्विपमेंट, और यहां पे कितने इक्विपमेंट, काउंट कर लीजिएगा जब आपको ये स्लाइड्स मिले। तो आप देख लें इसमें हीट एक्सचेंजर्स भी यूज हो रहे हैं, इसमें रिएक्टर्स भी यूज हो रहे हैं, प्रॉपर PFR रिएक्टर है, या यहाँ पे CSTR भी हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। वेसल्स जो फ्लैश सेपरेटर्स हैं वो भी लगे हुए हैं, मिक्सर ज्यादा हो गए हैं, और आप देखेंगे सिस्टम में रिसाइकलिंग भी हो रही है, ठीक है। तो ये जो रिसाइकलिंग का, अगेन ये देखें आप यहाँ से, ये वाली स्ट्रीम है REC रिसाइकल होके वापस आपके सिस्टम में इन हो गई है। तो ये वाली जो डायग्राम है, जो ये वाली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप सेकेंड फेज में जाके बिल्ड करते हैं। इनिशियली जो फर्स्ट फेज आपका होता है वो सिंप्लीफाइड PFD से शुरू होता है, फॉलोड बाय द कॉम्प्लेक्स PFD। और इसको PFD को जब आप देखेंगे अपनी स्लाइड्स में, तो उसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम S1+ में ये इस तरह की PFDs बना चुके हैं, जो मैंने आपको एक लेक्चर स्लाइड में भी दिखाई थी जब हमने प्रोसेस फ्लो शीटिंग की थी, और जो आपको टर्मिनल में भी दिया गया था। सिमुलेशन प्रोग्राम्स यूज ब्लॉक मॉडल्स, वही बात है कि डिफरेंट यूनिट मॉडल्स को यूज करके और उनको करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है जो आपको समझने की जरूरत है, जो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दैट द सिमुलेशन फ्लो डायग्राम डिफर्स फ्रॉम द रियल PFD, बिकॉज इन द रियल टाइम देर मे बी अ चांस दैट देर मे बी टू और थ्री इक्विपमेंट टू गेट द सेम ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, थ्री स्टेज कंप्रेसर, थ्री स्टेज कंप्रेसर से क्या समझ आती है आपको, दैट देर आर थ्री कंप्रेसर्स विद इंटर स्टेज कूलर्स, कि एक कंप्रेसर लगा है, उसके बाद कूलर लगा है, फिर एक कंप्रेसर लगा है, फिर एक कूलर लगा है। कूलर मीन्स हीट एक्सचेंजर, नॉट द शॉर्टकट कूलर, एंड देन एक कंप्रेसर लगा। एंड व्हेन यू कम टू सिमुलेशन, यू कैन अचीव द टास्क, सेम टास्क विद वन कंप्रेसर एंड फॉलोड बाय वन हीट एक्सचेंजर। सो देर कैन बी दिस पॉसिबिलिटी इन द सिमुलेशन प्रोग्राम, बिकॉज समटाइम्स द सिमुलेशन फ्लो डायग्राम डिफर्स फ्रॉम द रियल PFD, बिकॉज रियल इक्विपमेंट इन अ सिमुलेशन प्रोग्राम कैन बी मॉडल्ड बाय वन, टू और इवन मोर यूनिट ऑपरेशन ब्लॉक्स, और वाइस वर्सा। और ये भी हो सकता है कि वहां पे एक इक्विपमेंट लगा हो और यहाँ पे आपको एक से ज्यादा इक्विपमेंट लगाने पड़ रहे हो, तो ये भी टू वे पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगेन इसमें आपको बताया गया था, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था और मैं इसको रिपीट भी कर रहा हूँ, कि दो तरह के मॉड होते हैं इसमें, स्पेशली S1 HiSys के अंदर, एक्टिव एंड ऑन होल्ड। एक्टिव का मतलब क्या है, कि मॉडल साथ साथ आपका रन होता जा रहा है। ऑन होल्ड का मतलब क्या है, कि आपने पहले सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस दे दी, जितनी स्ट्रीम्स थी उनको इनिशियलाइज कर दिया, और एंड में जाके आपने उसको एक्टिव पे लेकर आए। ऑन होल्ड का मतलब है कि कुछ भी अभी सिमुलेट नहीं हो रहा, आप पैरामीटर्स देते जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ सिमुलेट नहीं हो रहा। एक्टिव का क्या मतलब है, कि आपने पैरामीटर दिया, पहला इक्विपमेंट सिमुलेट हो गया, अगला पैरामीटर दिया, दूसरे इक्विपमेंट के दूसरे इक्विपमेंट सिमुलेट हो गए, फिर तीसरे के दिए, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप उसी को ऑन होल्ड पे कर दें तो वो सिमुलेट नहीं होंगे। तो ये जब हम S1 HiSys शुरू करेंगे इसके बाद लेक्चर 5 में, तो मैं आपको इसको एक्टिव और ऑन होल्ड के बटन भी दिखाऊंगा, और उसको हम रियल टाइम करके भी देखेंगे। और अगेन S1+ के अंदर भी सेम है, कि अगर जब तक आप वो रन का बटन प्रेस नहीं करते, ठीक है, तो वो एक्टिव नहीं होती। और S1+ के अंदर थोड़ा डिफरेंट है और S1 HiSys के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। टाइप्स ऑफ प्रोसेस सिमुलेटर्स, देर आर यूजली थ्री टाइप्स। इफ यू लुक बैक एट योर कोर्स कॉन्टेंट्स, देन यू कैन सी दैट सिक्वेंशियल मॉडलर सिमुलेटर्स, इक्वेशन ओरिएंटेड एंड हाइब्रिड सिमुलेटर्स। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर टूडेज लेक्चर। सो देर आर थ्री अप्रोचेस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। द फर्स्ट मेथोडोलॉजी इज सिक्वेंशियल मॉडलर, विच डिवाइड्स द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द होल सिस्टम इन टू सब मॉडल्स। ऑब्वियसली एक इक्विपमेंट है, तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ ऐसी इक्विपमेंट डल गया, ऑब्वियसली उसके पीछे पूरी वर्किंग है, उसके पीछे मैथमेटिकल इक्वेशन है। लेकिन जो सिक्वेंशियल मॉड क्या करता है, कि उनको सब पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इक्वेशन ओरिएंटेड में ऐसा नहीं है, वो सबको साइमल्टेनियसली सॉल्व करता है, ठीक है। इक्वेशन ओरिएंटेड
जो है वो सारी जितनी भी इक्वेशंस हैं लीनियर नॉन लीनियर उन सबको पकड़ के साइमल्टेनियसली सॉल्व करता है। लेकिन जो सिक्वेंशियल मॉडलर है उसका तरीकाकार डिफरेंट है। वो जितनी भी थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशंस हैं या जो पूरा एक होल सिस्टम की जब बात हो, होल सिस्टम का मतलब है कि उसमें रिएक्टर भी है, डिस्टिलेशन कॉलम भी है, पंप भी है, कंप्रेसर भी है, तो वो सबको एक एक ब्लॉक के तौर पे लेके चलेगा। लेकिन जो इक्वेशन ओरिएंटेड है वो सारी इक्वेशंस को इकट्ठा लेके और सॉल्व करेगा। इसलिए इक्वेशन ओरिएंटेड ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सिक्वेंशियल मॉडलर कंपेरेटिवली आसान है। द यूनिट मॉडल्स आर देन कैलकुलेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर मॉडल्स और मॉड्यूल्स, जैसे मैंने आपको बताया। और इसको हम करके भी देखेंगे एस्पन हाइसिस के अंदर। एस्पन प्लस के अंदर ऐसा नहीं है। एस्पन प्लस के अंदर आपको पता है कि अगर आपने इनिशियली पंप भी लगा दिया, कंप्रेसर भी लगा दिया, सॉरी पंप लगा दिया और उसके बाद आपने लगा दिया डिस्टिलेशन कॉलम लगा दिया, तो पंप की भी आप पैरामीटर एंटर करोगे, डिस्टिलेशन कॉलम के भी करोगे, उसके बाद जाके उसने एक्टिव होना है। लेकिन एस्पन हाइसिस के अंदर ऐसा नहीं है। एस्पन हाइसिस के अंदर अगर पंप और कॉलम लगे हैं, वो पंप के आपने पैरामीटर दे दिए, पंप को कर देगा सिमुलेट। उसके बाद वो आप कॉलम के दोगे तो वो कॉलम को भी सिमुलेट कर देगा। एंड देन अगेन द आउटपुट स्ट्रीम्स आर एवेल्युएटेड बेस्ड ऑन इनपुट स्ट्रीम्स एंड डिजाइन पैरामीटर। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये लाइन अभी हमने कहीं पढ़ी भी है, ठीक है? तो इसलिए आप इसको देखिएगा कि हमने कहाँ लाइन इसको डिस्कस किया है। यूनिट ऑपरेशन मॉडल में जो 1.2 था उसमें अगर मैं आपको लेकर जाऊँ वापस, अब यहाँ देख लें कि यहाँ पे हमने ये लाइन पढ़ी है। और सिमिलरली आउटपुट स्ट्रीम्स ऑफ अ यूनिट मॉडल आर एवेल्युएटेड फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम्स एंड डिजायर्ड पैरामीटर्स, ठीक है? और जो हमने यूनिट मॉडल्स है कि हर मॉडल अपने हिसाब से सॉल्व होता है और जो इंफॉर्मेशन इनपुट आती है फ्लो शीट टोपोलॉजी से उससे सॉल्व होता है। और ये अगेन वही बात है, जब इसमें रिसाइकलिंग आ जाती है फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्शन आती है। ऑब्वियसली आपको पता है कि रिसाइकल स्ट्रीम्स में आपको टीयर स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जहां पे आपको टीयर स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, तो फिर आपको मॉड्यूल को रीएवेलुएट करना पड़ता है ऑब्वियसली, बिकॉज द फ्लो रेट चेंजेस इनिशियली। इनिशियली इट कुड बी 100 kg mol/h, बट वेन इट कम्स बैक, और फॉर एग्जाम्पल 20 kg mol/h कम्स बैक, देन द टोटल फ्लो रेट चेंजेस, द कंडीशन चेंजेस, एंड देन यू हैव टू रीएवेलुएट द मॉडल। एंड दैट देर इज अ पॉइंट वेयर द कन्वर्जेंस प्रॉब्लम यूजली कम, बट अगेन यू हैव टू सॉल्व इट क्लेवरली। मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स कंटेन मोर रिसाइकलिंग लूप्स एट डिफरेंट लेवल्स। ऑब्वियसली एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ रिसाइकलिंग लूप्स, देर विल बी मोर टीयर स्ट्रीम्स, देर विल बी मोर कन्वर्जेंस प्रॉब्लम्स, एंड देन फॉर ईच रिसाइकलिंग लूप यू हैव टू इनिशिएट एन और गिवन आइट्रेशन मैकेनिज्म, एंड द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द होल सिस्टम इज ऑब्टेन आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ ऑल आइट्रेशन लूप्स। ये तो आपको पता है, ये सारा ये वही प्रोसीजर है जो वर्डिंग में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि हम रियल टाइम पिछले सॉफ्टवेयर में कर चुके हैं। कि जब तक आप सारी रिसाइकलिंग लूप्स को ओके नहीं करते थे, सेटिस्फाई नहीं करते थे, आपकी टॉलरेंस कन्वर्जेंस प्रॉपर नहीं होती थी, आपका रिजल्ट्स अचीव नहीं होते थे। और जितने रिसाइकलिंग लूप आपके ज़्यादा होंगे उतनी आपकी टीयर स्ट्रीम ज़्यादा होगी। और अगेन जो आप इनिशियल गेस देते थे, आपको याद होगा आपको दो एग्जाम्पल्स मैंने करवाई थी, अगर आप उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि जितने जो आपने टीयर स्ट्रीम डिफाइन करना है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। इसका एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है आपने उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर दी। पहले एक सब पार्ट को सॉल्व किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, फिर चौथे को किया, करते करते आप एंड तक आ गए। अगर आपके पास रिसाइकल है ठीक है, वो रीएवेलुएट होगा, लेकिन आप कम से कम जो आपका सिंपल लूप है वो सॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो इनिशियलाइजेशन है वो ईजी है और यूजर फ्रेंडली है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका क्या है जो आपको यहाँ बताया गया, कि इनिशियलाइजेशन ऑफ टीयर स्ट्रीम फॉर रिसाइकलिंग लूप, ठीक है? कि अगर इसमें रिसाइकलिंग लूप बहुत ज्यादा आ जाए, काफी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड शीट हो जाए, तो फिर ये तरीकेकार यूज या ये जो स्कीम है, ये जो अप्रोच है, उसको यूज नहीं किया जाता या सूटेबल नहीं रहती। जो अगली अप्रोच है वो इक्वेशन ओरिएंटेड अप्रोच है, कि जिसमें एक लार्ज इक्वेशन, जितना भी प्रोसेस की अंदर जितनी भी इक्वेशंस आप उन सबको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल मॉडलर एंड इक्वेशन ओरिएंटेड, यू कैन सिंपली टेल दैट इन सिक्वेंशियल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशन, बट यू डिवाइड देम इनटू सब इक्वेशंस और सब पार्ट्स और सब यूनिट्स एंड यू सॉल्व देम सीक्वेंस वाइज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। बट इन द इक्वेशन ओरिएंटेड विच इज द कॉम्प्लेक्स
scheme as compared to the sequential scheme in equation oriented or EO approach, what you need to do, you solve all these equations simultaneously. And obviously, when there are more recycling loops, this approach is much better. But where it is coming, अगर आप देखें कि आपका सिस्टम बहुत सिंपल है, for the simpler systems or for the least complex systems, you will go with sequential modular approach. But for the complex systems where you have more recycling loops, you will go with the equation oriented approach. However, obviously, you know, considerably in the equation oriented approach, your efforts will be higher, but the solution will be much reliable and the convergence will be much better. However, considerable effort is required to initialize an equation oriented simulation and construction and debugging of equation oriented. Debugging means to remove the errors. It requires more effort, but obviously much reliable than SM approach, sequential modular approach, in case of more recycling loops. Now, there are some principal features. I would suggest you to go through these one by one and study these, and we can discuss in our interactive session about it. And similarly, principal features of equation oriented approach. These are very, very simple and one liner for each. Ki har ek ki ek ek line batayi hui hai ki isme kya hai aur isme kya hai. Main maine aapko difference bata diya hai, baki ab isko deeply agar dekhna chahe to isko dekh sakte ho, jo ki obviously humne dekhna bhi hai. The third hai hybrid simulators. Wo in dono ka mix hai. It combines sequential modular approach and equation oriented approach. First step, sequential modular. Second step, equation oriented. This type of simulator uses a strategy of mixture of sequential and simultaneous ones. Each iteration consists of two steps, a first model solution employing a sequential strategy and the upgrading of the linear coefficients to find a solution with a simultaneous strategy. Begins with sequential step and then solution of linearized models. I will read it. The simulation begins with a sequential step in which the output variables are determined from input information and parameters in an initial scanning of the flow diagram. कि आप initially जो है वो sequential करके आपने जितने outputs हैं वो सारी calculate कर ली और initial scanning कर लिया आपने based on the input parameters और जो हर equipment के design specific design parameters हैं. ये जो specific design parameter की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको initially बताया कि distillation column different हिसाब से सॉल्व होगा, हीटर डिफरेंट, कूलर डिफरेंट, तो सारी चीजें डिफरेंट होंगी. देन अ साइमल्टेनियस स्टेप स्टार्ट्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियराइज्ड मॉडल्स इन अ सेकंड स्कैनिंग ऑफ द प्रोसेस. यानी प्रोसेस दो तरह से स्कैन होता है, सिक्वेंशियल वाइज भी और इक्वेशन ओरिएंटेड वाइज भी. और जैसे मैंने आपको बताया, सिक्वेंशियल आसान है, आसान से मतलब सिंपल है. इट्स अ सिंपलर अप्रोच, इट्स अ कॉम्प्लेक्स अप्रोच. इन SM यू रिक्वायर मतलब ये इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम है. इन इक्वेशन ओरिएंटेड द कॉम्प्लेक्सिटी इज हायर, यू रिक्वायर मोर एफर्ट. सो व्हेन यू मर्ज दीज, ऑब्वियसली इट्स अ मच हाइब्रिड सिमुलेटर्स आर मच कॉम्प्लेक्स देन दीज टू. सम सिमुलेटर्स ऑफ हायर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अपील टू अ हाइब्रिड स्ट्रेटजी टू इंश्योर कन्वर्जेंस इवन इन द वर्स्ट केसेस. क्या आपको पता है कि ये हाइब्रिड ने बहुत ज्यादा टाइम लेना है, इसमें एफर्ट भी बहुत ज्यादा है. इवन इक्वेशन ओरिएंटेड से भी ज्यादा की एफर्ट है इसमें, क्योंकि इसमें सीक्वेंशियल भी साथ मर्ज हो रहा है. स्टिल दे प्रेफर हाइब्रिड सिमुलेटर्स. देन रोल ऑफ प्रोसेस इकोनॉमिक्स, लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, दैट ऑप्टिमाइजेशन, प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ डिजाइन ऑप्शंस. ऑप्टिमाइजेशन मींस टू फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल पैरामीटर. और ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों को पेपर में भी दी गई थी PMS के, जो कि आप लोगों ने की है बेसिकली. और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपने वो पैरामीटर डिसाइड करने हैं जिस पे सिस्टम की एफिशिएंसी सबसे हाई होगी, जिस पे सिस्टम की ऑपरेशन कॉस्ट सबसे लो होगी, और समवेयर मिड, ठीक है, या आप जो जिसको ट्रेड ऑफ कहते हैं, जो डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर आपने पढ़ा था. प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, क्या आप डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी के सिनेरियोज देखते हैं और उसमें से बेस्ट सिनेरियो को चूज कर सकते हैं. प्रोसेस इकोनॉमिक्स का ये रोल है प्रोसेस डिजाइन के अंदर. एंड एवेल्युएशन ऑफ डिजाइन ऑप्शंस, के डिफरेंट डिजाइन हैं और उसमें से आप बेस्ट डिजाइन को चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स. सो आई वुड सजेस्ट टू रीड द टॉपिक 2.1 ऑफ दिस बुक, एंड आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू दिस बुक. सो
there are some more details of this, and this is the important point of our course, that economics, what is the role of economics in the process design. And assignment number one, which is related to CLO number one, and its deadline is 4th March 2021. And what are the questions in it? Applications of process simulation, economic incentives. I have already given you an assignment about it, but this is different. ये जो slide ये different है, ये जो economic incentives है, कि एक project की conceptual phase से commissioning phase तक क्या economic incentives होते हैं, या आप कितनी economics या जो आपकी cost है उसको कितना save कर सकते हैं, किस point पे कितनी saving हो सकती है. एक conceptual है जो start है, एक commissioning है वो end है, obviously इसके अंदर different phases होंगे, तो उसकी diagram आप बनाएंगे और उसकी जो भी explanation है वो आप करेंगे. और फिर आपको एक इसमें एक छोटा सा पार्ट दिया गया कि आपने इकोनॉमिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. तीन पाथ हैं प्रिपरेशन के, और उसके कोरिस्पॉन्डिंगली जो इकोनॉमिक पोटेंशियल की बेस पे आपने बेस्ट पाथ को चूज करना है. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर. आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट ये एक डिटेल्ड वीडियो है जो कि आपको आगे फ्यूचर में भी हेल्प करेगी. ठीक है जी, थैंक यू सो मच फ्रॉम दिस लेक्चर. इंशाल्लाह फ्रॉम नाउ ऑन वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द एस्पन हाइसिस. Our CLO number 1 for S1 is ended. कि S1 का जितना भी हमने CLO 1 से पढ़ना था वो एंड हो गया है. अब हम CLO 2 और CLO 4 की बात करेंगे, कि हम सिमुलेशन भी करेंगे और हम डिजाइनिंग भी करेंगे, और जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो हम S1 के बाद करेंगे. ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह विल मीट यू इन ऑनलाइन सेशन एंड देन इन द ऑन कैंपस सेशन.